नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। और ये जो जजमेंट आया है ऐसे लाखों पतियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें काफी ज्यादा हौसला देने के लिए और उनके केस में उनका पक्ष मजबूत करने के लिए, उनके केस को क्वेश्चन कराने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये जो जजमेंट है उसे पेश कर रहा हूँ। हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने ही ये हमें जजमेंट भेजा है। ये उनका पर्सनल केस है और उन्होंने उसे हमारे पास भेजा है और कहा है कि इसे अन्य लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस वजह से मैं और भी इस जजमेंट को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि पत्नी का पति के साथ रहने का खुद मन नहीं होता है, पत्नी खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और वो बेवजह का इस वजह से जाके 498A का केस लगा देती है। तो ऐसे में यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं और बेतुके आरोपों के आधार पे ऐसे में 498A का केस लगा दिया है उन्होंने कि साथ नहीं रहना पड़े, तो ऐसे में ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पत्नी साथ रहना नहीं चाहती थी और इस वजह से उसने 498A सिर्फ पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए लगा दिया। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में समझते हैं क्या हुआ है, इस मामले में क्या चीजें हुई हैं उन्हें जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा, साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपये है, प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी 50 रुपये इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो जजमेंट है वो 498A के झूठे मुकदमे को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो प्रभात सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी जब हो जाती है तो शादी के 5 दिनों के बाद ही जो पत्नी होती है पति के ऊपर और पति के माता पिता के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगती है कि वो लोग उससे दहेज की मांग कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट हो रहा है, उसका जान लेने तक की कोशिश की जा रही है। और जब ये सब आरोप लगा दिए जाते हैं उसके बाद जो पत्नी होती है जाके थाने में कंप्लेन करती है। पुलिस थाने में जब कंप्लेन कर देती है पति पक्ष की तरफ से, पति के माता पिता और पति जाते हैं थाने में, हाजिर होते हैं, तो पत्नी यही कहती है कि मुझसे काफी ज्यादा दहेज की मांग की जा रही है, परेशान किया जा रहा है और इस वजह से मुझे इनके साथ नहीं रहना है। पत्नी सिर्फ यही बेतुके आरोप लगाती है और कहती है मुझे इनके साथ नहीं रहना है। और साथ ही साथ पत्नी ये भी कहती है कि ये जो मेरी शादी हुई है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है, मैं कहीं और शादी करना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती करा दी है। पत्नी ये भी अपना स्टेटमेंट देती है कि मुझे यहाँ इनके साथ नहीं रहना है, ये लोग काफी ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो यहाँ शादी ही नहीं करना चाहती थी, मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। ये सब बातें रिकॉर्ड होती हैं
और उसके बाद एफआईआर लेकिन दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ये 330 504 506 और 34 आईपीसी में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस भी होती है वो कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 323 504 506 और 34 में, उसके बाद पति पति के माता पिता हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाती है। पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पति एक सरकारी कर्मचारी है और खुद उसे 70,000 रुपए प्रति मास सैलरी मिलता है। साथ ही साथ 5 दिनों में ऐसी क्या घटना हो गई, क्या पत्नी को बोल दिया गया कि वो कह रही है उतना इतना ज्यादा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्नी जो भी आरोप लगा रही है गलत आरोप लगा रही है। साथ ही साथ जब मेडिकेशन हाईकोर्ट कराता है तो पत्नी उसमें भी यही बात बोलती है कि मैं तो इनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं तो कहीं और शादी करना चाहता हूँ, चाहती थी, मेरी किस्मत ही फूट गई इनसे शादी करके। ये सारी बातें पत्नी बोल देती है, जज साहब को भी बोल देती है कि मेरी शादी जो हुई है मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है, मैं इनके साथ नहीं करना चाहती थी शादी, माता पिता ने जबरदस्ती करा दी। तो ऐसे में जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी खुद साथ नहीं रहना चाहती, सिर्फ पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए ये केस उसने लगाया है कि कैसे भी पत्नी को छुटकारा मिल जाए पति से और उसके घर वालों से और वो कहीं और शादी कर ले। वो अपने माता पिता से ये नहीं कह पा रही है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। माता पिता कारण पूछने लगे क्यों नहीं रहना चाहती हूँ, तो पत्नी यही कहती है अपने माता पिता से कि मारते हैं पीटते हैं तो मैं कैसे उनके साथ रहूं। तो ये वास्तविकता है कि किसी भी माता पिता से उसकी बेटी कहेगी कि मेरा पति मेरे सास ससुर मुझे मारते हैं पीटते हैं तो कोई माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं रहने देगा। तो ये चीज यहाँ भी हुई है कि पत्नी झूठे आरोप पति के ऊपर इस वजह से लगाती है कि वो अपने माता पिता को मोटिवेट कर सके और ये कह सके कि मैं इस वजह से इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब ये सारे तर्क दिए जाते हैं हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट भी मामले को देखता है तो हाईकोर्ट यही पाता है कि पत्नी का जो स्टेटमेंट है कि वो खुद साथ नहीं रहना चाहती है, उसका यही कहना है कि उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध हुई है। तो कोर्ट समझ जाता है कि पत्नी किस प्रकार से और क्यों पति को फंसाई है, पति के घर वालों को फंसाई है। और हाईकोर्ट जब पूरे मामले को देख लेता है तो हाईकोर्ट यही कहता है कि इस मामले में जो पत्नी है वो खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो खुद कह रही है कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है और इस वजह से उसने ये सब आरोप लगाए हैं और पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके साथ मारपीट हुई है, उसने किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं पेश किया है। साथ ही साथ 5 दिनों में उसके साथ इतना बड़ा क्या घटना घटित हो गया, क्या हो गया, कोई इसके लिए साक्ष्य उसने नहीं दिया है। तो ऐसे में ये जो मामला है अगर चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। पत्नी साथ भी नहीं रहना चाहती, गलत आरोप भी लगा रही है और ऐसे में पति और पति के घर वालों को झूठा फंसा के परेशान किया जाता है, तो ये चीज सरासर गलत होगी। और ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले को क्वेश कर देता है, रद्द कर देता है। तो देखिए इस मामले में यही चीज सामने निकल के आ रही है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है और ये बात उसने स्टेटमेंट में बोल दिया है कि मैं खुद नहीं रहना चाहती हूँ, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन सकता है और आप इसके आधार पे भी अपने मामले को क्वेश्चन करा सकती हैं। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।